जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह वाली जी, रब एक, जय साईं जी 786 SA ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। दाते सब नूं चढ़दी कला च रखण, ते जे तुसी चैनल ते पहली बारी आए हो ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन जरूर दबाओ ताकि तुहानूं आउण वाली वीडियो दी अपडेट मिलदी रहे। बाबिओ, अज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। वैसे तो रहमत की गल साईं जी की हमेशा ही खास होंदी है, पर अज की वीडियो उन्हां लई है जिहड़े कहिंदे कि असी बहुत फसे हुए हाँ, असी बहुत ज़्यादा दुखी हाँ, असी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन च हाँ, असी दरबार नहीं जा सकते। तुसी दरबार जाओ तो साडे लई फरियाद करो तो तुसी साईं जी नाल जां साडी गल करा दिओ जां तुसी दरबार ते साडे नाल दा मत्था टेक दिओ। साईं गुलाम शाह उर्फ बाबा लाडी शाह जी महाराज ने एक वीडियो च फरमाया कि मुझे अगर इलम होता तो मैं अपनी वाकफियत साथ ले आता, मुझे क्या पता था वो भीख पहचान के देगा। तो लोग चाहते हैं कि असी मंगीए भी तो साड़ी जगह मंगण कोई होर चल जाए तो रहमत साड़ी झोली पै जाए। हाउस डैट पॉसीबल बड़ी। मान लो तुसी कितें जॉब ते जाने, जॉब च इंटरव्यू जिहड़ी हुंदी आ वो कोई होर दे आंदा तुहाडे लई ते तुसी जॉब मिल जांदी तुहानू, ते उत्थे जाण लग्गिआं तुसी सोचो हाँ तुसी कोई सेवा करनी आ। जे मान लो जिद्दां हुण कई वारी किसे कोलो नहीं जा हुंदा तां उह कहिंदा वी यार मेरे ना आ मेरे नाम दी आ सेवा कर दिओ, या मैं तुहानू आ सेवा मेरे नाम दी कर दिओ। जिहड़े उहनां दे खास लोक आ, खास लोकां नूं, इह नहीं कि हुण तुसी चैनल नाल जुड़े आ तुसी कहो जी इदां कर दिओ उदां कर दिओ। हर बंदा ही क्रिटिकल सिचुएशनस दे विच आ, हर बंदा ही इस दुनिया दे विच किहड़ा ऐसा ना तू सुखी ना मैं सुखी, ना सुखिया ए संसार इस जगत में वही सुखिया जिसके साथ साईं प्यार। भी उही सुखी आ जिहड़ा राम दा दास आ बाबिओ। ते तुसी कहने आ कि मैं ये करके कह रहा क्योंकि एक मैसेज आया बहुत वड्डा, ओ कहिंदे जी तुसी गल करा दिओ, मैं कंडीशन च फसी मैनू कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं हैरान हाँ कि सारी दुनिया च कोई ना कोई इदां दा लोग आ जिन्हां नूं कोई रस्ता नहीं मिल रहा। रस्ते आपे ही मिलते आ, समय दे नाल मिलते आ, मालक दे कोल जाना तां आप जाना। ते नाले ये भी कहिंदे आ ना, वो तो ये भी कहिंदे कि साडे कोल आया यार नूं मिलन जाइए तां कल्ले जाइए, नाल भीड़ भड़का ना लै के जाइए, हैं जद दिल नूं दिल दी चाह हुंदी है फिर ही मिलन दी थां हुंदी है, दो जणिआं विच तीजा मिल जाए फिर कोई गल सवाह हुंदी है। तां असीं कहिंदे जी असीं तुसीं साडे लई उत्थे जाओ, फरियादां करनियां तां सारिआं लई हुंदीआं बाबिओ। कहिंदे आ वी दाता सरबत दा भला करी, वी साईं जी सभ दा भला करिओ, हे वाहिगुरू अल्लाह राम सभ दा भला करिओ, सरबत दा भला करिओ ते किसे पिछे साडा वी भला करिओ। ते उहदे च कोई इदां दी गल ही नहीं, आपां कहिंदे वी साडी झोली खैर वी पवे सानूं जाणा वी ना पवे, साडी जगह तुसीं जा आओ जां साडा काम हो जाए असीं फिर जाने। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਆ, ਸੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ 786 ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਦੇਵ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪੰਜ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਡੀਕਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਡੀਕਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਡੀਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਿਓ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
अपने अपने ढंग नाल जाना हुंदा। जे नहीं जा सकते जिथे हैगे उत्थे अरदास बेनती करनी चाहिए बंदे नूं, बल्कि आपां सिर्फ बेबस ना बन जाइए, क्योंकि साईं जी ने किसी बेबस ही नहीं सिखाई कि बस मंगी जाओ मंगी जाओ मंगी जाओ। कहिंदे वी तुसीं अपनी मेहनत करी जाओ, तू कोशिश कर मैं कशिश कर दूँ, जब कोशिश करांगे तां ही कशिश हो। तो यार नाल इश्क दे मुताबक उत्थे दीदार करनी जाने बाबे, मैं तो मैं सिर नवा के आ जाना हुंदा कि साईं जी तेरी नज़रों करामी आ। हाँ जी कोई दिल च गल आ तो उन्होंने पता ही, पढ़ लियो तो पूर्ण कर दियो उन्हां दी मौज आ। हाँ मंगना भी पैंदा कदे कुछ, पर आपां किसी नूं नहीं कहिंदे भी साडे लई मंग के आए, आप ही जाने। या कोई जिहड़ा कोई प्रेम प्यार इन्ना ज़्यादा जुड़िया उन्हें पता है कि यार हुण उन्हें लोड़ है, उन्हें आपे ही अरदास बेनती कि मालक कृपा करी साईं। वाहेगुरु अल्लाह राम दाता जी, बाबा महाराज शाह जी, बाबा शेरे शाह जी, बापू जी महाराज, नज़रों करम करो साडी फरियाद तेरे अगे, तेरी अगो तेरी सच्ची सरकार। सो सारयां नूं सलाम आ, उम्मीद आ गल पता लगी होगी कि चिट्ठियां पाउणा नहीं होना काम किसी के थ्रू, आप अपने आप ही यार नूं अपने आप ही गल सुनाउणी पैणी है, जिद्दां मर्जी सुना लो वो तुहाडी मौज आ बाबे। बाकी सारयां नूं सलाम आ, मैं बहुता कोई इन्ना भी सियाणा नहीं, पर मैनूं लगता ये गल मेरी सही होगी कि मंगण जाणा तां आप मंगण जाणा, असीं लोकां नूं थोड़ी कहना साडे लई खैर पवा लिआ। हाँ वो आप भेज देन कि लै भी आह फट चीज़ आओ, साडा मुंडा आ उन्हूं फड़ा दी, या उत्थे साडी बच्ची रहिंदी उन्हूं फड़ा दी, तां वो फिर उहदी ड्यूटी लग जाती, वो आप ही करा देंदे। सो बाकी साईं जी सारयां नूं सलाम आ जी, दाता जी चढ़दी कला च रखण। जे कोई गल सुणाउंदे गलती होगी तो माफ़ी का हकदार आ, उम्मीद आ जवाब भी मिलिया होगा तुहानूं सारयां नूं जिन्हां ने मैसेज किए सी। सो जय साईं जी दी, जय बाबा महाराज शाह जी, जय बापू जी महाराज जी।